एक बार फिर से अकबरुद्दीन ओवैसी फंसते हुए नजर आ रहे हैं विवादों में। हैदराबाद और करीमनगर की अदालत में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिनमें उनके ऊपर घृणा से भरे हुए भाषण देने का आरोप लगा है। स्थिति को भड़काने का आरोप लगाते हुए ये दोनों शिकायतें की गई हैं। और आपको बता दें कि ये शिकायत की गई है क्योंकि पिछले दिनों एक भाषण दिया गया था जिसमें उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करा था, जिसको लेकर ये दो शिकायतें दर्ज हुई हैं। और कहा जा रहा है कि AIMIM के विधायक लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, दो समुदाय के बीच शत्रुता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने भाषण में हर तरह से लोगों को भड़काना चाहते हैं। आपको बता दें कि करीमनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का जिक्र किया था और इसके साथ साथ उन्होंने 15 मिनट वाले बयान का भी जिक्र किया था और साथ साथ ये कहा था कि अब किसी को RSS, बजरंग दल, BJP से डरने की जरूरत नहीं है। और ये काफी सुर्खियों में रहा था उनका भाषण, और अब इसी को लेकर शिकायत की गई है, इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। तो चलिए बताते हैं कि विवाद क्या हुआ था। उन्होंने 2013 में कहा था कि हम मुसलमान 25 करोड़ हैं और हिंदू तुम 100 करोड़ो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने इस बयान को फिर से दोहराया है और इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया था, लेकिन अब फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके विवादित भाषणों के चलते, विवादित बयान के चलते दो शिकायत मिली हैं। उन पर देखते हैं अब किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई की जाती है कानूनन।